कानपुर देहात में भारतीय किसान यूनियन टिकैत संगठन के जिलाध्यक्ष विपिन तिवारी के दिशा निर्देश में तहसील सचिव ने उप जिलाधिकारी से मुलाकात की। आनंद दूध डेयरी में किसानों के बकाया रुपए को लेकर ज्ञापन सौंपा। आनंद दूध डेयरी के संचालक ने किसानों को बकाया रुपए को 3 दिवस में देने की संगठन के पदाधिकारियों से बात कही। किसानों को बकाया पैसा न मिलने पर संगठन के जिलाध्यक्ष विपिन तिवारी की दिशा निर्देश पर सैकड़ों किसान धरने पर बैठेंगे। पूरा मामला रसूलाबाद तहसील का है। क्या नाम होता है? मेरा नाम शंकरलाल कमल है, मैं तहसील सचिव हूँ। संगठन का तहसील सचिव हूँ मैं। आज आप आए हैं और आपने अधिकारी से वार्तालाप की, क्या मामला था, क्या सफल लिया गया? आनंदा दूध डेयरी का मामला था। हमारे एक किसान हैं जो कि उनका 1.5 लाख रुपए बाकी है। उन्होंने कई जगह कंप्लेन किया लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई और आज हम तहसील में उप जिलाधिकारी के सामने हम सारे किसान संगठित हुए और उप जिलाधिकारी के साथ में बातचीत की, वार्तालाप हुआ और उसके बाद में उप जिलाधिकारी ने हमको आश्वासन दिया कि इनका तत्काल से तत्काल पैसा किसानों को वापस दिलाया जाए, 3 दिन के अंदर पैसा वापस दिलाया जाए। और आनंदा दूध डेयरी के संचालक महोदय भी थे वहाँ पर, उन्होंने भी यही आश्वासन दिया है। और अगर किसानों को पैसा वापस नहीं मिला तो हम लोग 3/1/2024 को धरना पे बैठेंगे। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।